गायन और स्टैंडिंग कॉमेडी में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रतिष्ठित चैनलों वेबसाइट पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए रविवार को बिस्टान रोड स्थित निजी होटल में तारा रंपम म्यूजिक संस्था द्वारा ऑडिशन लिए जाएंगे। आयोजन को लेकर संघी फिल्म संस्था सदस्यों ने बताया, आपके शहर में सुनहरी आवाज की खोज के लिए मंच तैयार किया है। पहले चरण का ऑडिशन रविवार को होने वाला है। ऑडिशन महत्वाकांक्षी गायकों की स्क्रीनिंग करेंगे जिनके पास इसे बड़ा बनाने की इच्छा है और इन्हें वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। आयोजन में 18 से अधिक उम्र के प्रतिभागी निशुल्क भाग ले सकते हैं। उम्र और संगीत की शैली पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण गायक अपने पसंदीदा गीतों में से किसी के माध्यम से कैमरा ऑडिशन के जरिए जजों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्येक शहर से चयनित प्रतियोगियों को मुंबई में पार्श्व गायकी का मौका मिलेगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर एक आदमी पर अगर पैसा नहीं है तो वो बिजनेस कैसे करेगा, उसके अंदर पूरी बिल्कुल शुरू मेरे बचपन से लेके पूरी कहानी आ जाएगी कि मेरा परिवार क्या करता था, फिर मैंने कैसा करा, फिर मैंने कैसे लोगों से पैसे उधार लिए या छोटे छोटे व्यापारियों से माल लिया, फिर मैंने कैसा काम करा, उस पूरी कहानी आएगी। कितने बजट की है? अब ये बजट तो उस टाइम हीरो हीरोइन और जो होंगे वो बड़ी ही बड़ा वो तो उसके अंदर हम सोच रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी या रणवीर कपूर के लिए फिल्म में जाता है। राम मम्मी धमनी को ही चुना तो गया, इसके पहले भी गए, इसके पहले भी यहाँ हुआ है, राइसेस हुए हैं, 2016 में हुआ है, 1995 में हुआ है। उसके अंदर जो हुआ था, मैं आपके सामने आज भी कहता हूँ कि उस दंगे को संभालने में मैं था, तो मेरी बेटी क्यों हूँ क्यों तोड़ी थी आप? मैंने उस दिन प्रशासन को मैंने 35 जगह आवेदन दिए इसी बात के कि जब मैं प्रशासन के साथ संभालने में लगा था तो मेरी बेटी क्यों लिखे तोड़ गई, इनके पास कौन सा प्रूफ था कि मैं दंगे में शामिल था? मतलब आज भी कहना आप इनसे जाकर पूछो, अगर मेरा इनके मेरे खिलाफ प्रूफ है तो ये फिर मुझे जेल में डाली, मैं क्यों आज लाऊँ मेरे खिलाफ? जब मैंने उस टाइम जब दंगा हो गया था, जब मैंने पब्लिक को संभालने में पूरा काम करा, पर मैं एनजीओ की रोहित और साथ साथ में था, अब उस टाइम के अंदर अगर मेरा गुनाह था तो ये आज भी जाएंगे साबित कर। ये एक म्यूजिकल प्रोग्राम बन रहा है जो दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ साथ Z5 और मैक्स क्लियर पे आएगा। ये एक ऐसा रियलिटी शो बन रहा है जिसमें म्यूजिक लवर जो फिल्म संगीत में और फिल्मों में गाने में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको मौका देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ये प्रेस के लोगों से मुलाकात करना था कि इस प्रोग्राम में कैसे लोकल टैलेंट, स्थानीय टैलेंट आ सकता है, अपनी प्रतिभा के बल पर वो बॉम्बे में अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। अभी ऑडिशन चल रहे हैं, कितने समय प्रोग्राम तैयार है? ये प्रोग्राम पूरे एक साल के लिए 52 एपिसोड का प्रोग्राम है और ये मार्च एंड में इसका शूट शुरू हो जाएगा और उसी के बाद से इसका टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा पूरे साल भर तक 52 एपिसोड। ये कार्यक्रम हर मार्च के बाद से हर शनिवार इतवार रात्रि 8 बजे से लेकर 8:30 तक देखा जा सकता है। इसका कितने प्रतिभागी भाग लेंगे? इसमें हर हमारी ये कोशिश है कि हर जगह से 2 मेल 2 फीमेल और एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन जो अपनी भाषा में अपनी जबान में कॉमेडी करता हो वो इसमें हिस्सेदारी कर सकता है। ऑडिशन बिल्कुल निशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा के बल पर वो अपना इस मंच पर आ सकता है। क्या नाम है? आरिफ हमीद। किस पर? मैं इसका डायरेक्टर डिजाइनर हूं और सबसे बड़ी बात खरगोन में इस ऑडिशन को लेने में जो शख्सियत का बहुत अहम रोल रहा है वो अमजद खान जी हैं, बेस्ट बेकरी खरगोन वाले, जिनके प्रेशर के कारण, जिनके सहयोग के कारण ही ये प्रोग्राम खंडवा खरगोन से इसकी शुरुआत हो रही है और खरगोन में इसका ऑडिशन शुरू किया जा रहा है, कैमरा ऑडिशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।